अच्छा, इसमें जो है पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट करेंगे, जो हमारे पास मीन, जो हमें पॉपुलेशन मीन नहीं पता होता तो हम सैंपल पिक करते हैं, सैंपल से फिर पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट कर लेंगे कि थोड़ा सा सैंपल पिक किया और पूरी पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा लिया कि क्या पॉपुलेशन का मीन होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके को एक पहले तो ये समझ लें कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है। जैसे अगर मैं मीन एस्टिमेट कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट की क्लास है तो उसमें हाइट कितनी होगी, एवरेज हाइट कितनी होगी, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ 3 फीट से लेके एवरेज हाइट जो होगी वो 3 फीट से लेके 7 फीट के दरमियान होगी एवरेज हाइट, ठीक है, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ। तो मैं कितना परसेंट कॉन्फिडेंट हूँ इस बारे में, 100% कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, 100% मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बारे में। तो 100% कॉन्फिडेंस जो है ना, ये कोई आपको खास एस्टिमेट करके नहीं देता मीन, इसका इंटरवल इतना ज़्यादा है कि ये 100% बात है। अगर मैं CGPA की बात करूँ कि एवरेज CGPA क्या होगी आपकी क्लास की, तो वो मैं बताऊँ कि अगर 0 से 4 के दरमियान होगी तो इस पर भी मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, इस पर भी मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि CGPA जो होगी वो 0 से 4 के दरमियान होगी। तो 100% कॉन्फिडेंट होना जो है ना, ये कोई अच्छा एस्टिमेट करके नहीं देता आपको। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एरर रखना पड़ता है, वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है वो। तो 5% रखते हैं या 10% रखते हैं, फिर उसके बाद आपको जो है थोड़ा अप्रॉक्सीमेट सही आंसर मिल रहा होता है। तो इसी जो है बात से स्टार्ट करते हैं इसको। आपके पास ये जी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बाद में इसको एक्स वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। जी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं, बाद में इसको एक्स वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का ग्राफ है, स्टैंडर्ड नॉर्मल का ग्राफ है ये आपके पास, ठीक है। मीन इसका 0 है, ठीक है, मीन जो आपके पास सेंटर में है, मीन 0 है। अच्छा, ये मैंने क्या करा, कॉन्फिडेंस इंटरवल को 1 माइनस अल्फा करा, टोटल आपके पास 1 होती है प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस अल्फा जो होगा आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, और अल्फा जो होगा आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाएगा ये, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास 1 माइनस अल्फा हो गया, और फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो अल्फा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस पार्ट में और लेफ्ट पे और राइट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अल्फा को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके पास। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करा कि इस परसेंटेज पे आपके पास कोई वैल्यू होगी, जेड की कोई कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी यहाँ पर, जिसके लेफ्ट साइड पे अल्फा बाई 2% होगी। इसी तरह यहाँ पे जेड की कोई वैल्यू होगी जिसके राइट साइड पर आपके पास अल्फा बाई 2 होगी, और ये दोनों वैल्यूज आपके पास सेम होंगी, सिर्फ नेगेटिव का फर्क होगा। तो हम इसी से ही स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जेड अल्फा बाई 2 से लेके जेड अल्फा बाई 2 तक की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 माइनस अल्फा, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास वो अल्फा बाई 2 है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाता है, ये कभी 90% होता है, कभी 95% होता है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो यहाँ से हमने ये सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी, ये आपके पास जो मीन है आपके पास वो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान होगा, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान होगा मीन, और वो मीन जो है वो ये रहा। लेकिन ये तो फिक्स है ना, जेड इज मीन जो है 0 पर फिक्स हो जाता है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल पर। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें तो एक्चुअल जो वेरिएबल हमारे पास एक्स वेरिएबल होता है वो चाहिए हमें। तो जेड सब्स्टिट्यूशन हम दोबारा वापस उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स में। अब मुझे क्या करना है, ये टर्म हटानी है मुझे, मुझे ये वाली टर्म चाहिए, सिर्फ मीन चाहिए मुझे सेंटर में, पॉपुलेशन मीन मुझे एस्टिमेट करना है, बाकी सारी टर्म्स को मैं मुझे यहाँ से हटाना है। तो इस इनइक्वालिटी को क्या करूँगा, मैं सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन से डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि ये जो डिवाइड में ये तो हटे यहाँ से। तो ये पूरी इनइक्वालिटी को मैंने सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया सॉरी, ताकि जो है ये यहाँ सेंटर वाली पोजिशन से हट जाए। अब एक्स बार जो ये प्लस हो रहा है इधर, ठीक है, एक्स बार प्लस है, तो मैं क्या करूँगा, पूरी इनइक्वालिटी को क्या करूँगा उसमें सब्ट्रैक्ट करा दूंगा एक्स बार जो है, तो सब जगह से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस एक्स बार आ गया, ये आपके पास माइनस एक्स बार आ गया, ये भी माइनस एक्स बार आ गया, सेंटर में माइनस एक्स बार आया होगा वो प्लस एक्स बार से खत्म हो गया होगा। अच्छा, अब ये माइनस का साइन हटाना है। माइनस का साइन कैसे हटाते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 जो है वो लेस देन है 2 के, 1 जो है लेस देन 2 है। अब अगर आप बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो आपके पास ये स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग।
तो इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए आप जब भी माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, या तो साइन पलटते हैं या इनकी पोजीशन पलटते हैं। तो मैं पोजीशन पलट के, पोजीशन चेंज करके बता देता हूँ, मैं साइन नहीं पलट रहा, मैं पोजीशन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, पोजीशन चेंज करा ना, तो फिर ये जो होगा ये सही हो जाएगा आपके पास, इनइक्वालिटी कि माइनस वन जो है वो ग्रेटर देन टू के। तो यहाँ पर भी मैं यही करूँगा, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा और इनकी पोजीशन को चेंज कर दूंगा। तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब ये वाली टर्म जो है ना, ये उठ के इधर जाएगी, इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ ना, और ये वाली टर्म उठ के यहाँ पर आएगी, तो मेरे पास ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। अभी जो इनइक्वालिटी बन रही है ना, अब ये मीन जो है पूरा सेपरेट हो गया, ये पूरा मीन जो है सेपरेट हो गया। अब ये जो है आपके पास एस्टिमेशन पॉपुलेशन मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल बनता ही है। ठीक है, वन माइनस एल्फा पर वन माइनस एल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा आपके पास ये, और उस पे जो आपके पास मीन एस्टिमेट करेंगे उसका ये फॉर्मूला होगा आपके पास, ये इंटरवल आएगा आपके पास। एग्जैक्ट मीन तो आप फिर भी नहीं बता सकते, एक इंटरवल बताएंगे कि भाई 1 से लेके 1.5 तक के दरमियान इसमें कहीं पे भी पॉपुलेशन मीन एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये एक इंटरवल आप बताएंगे। अच्छा, अब अगर आपके पास ये तो जी से आपने करा है, सैम्पल साइज अगर आपके पास 30 से ज़्यादा होगा, आपके पास ये भी नोन होगा, पॉपुलेशन वेरियंस भी नोन होगी आपके पास, तो आप ये जी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पॉपुलेशन वेरियंस भी नहीं है आपके पास, और जो है आपके पास सैम्पल साइज भी कम है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। तो उसका भी यही बिल्कुल सेम इसी तरह से डेरिवेशन होगी। तो जेड के बजाय यहाँ टी अल्फा बाई टू आ जाएगा, और यहाँ पे सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे एस आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का। तो अगर आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन वेरीफाई हो रही हो, तो आपकी टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्लाई करेगा, वरना फिर जी का अप्लाई करेगा।